दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आक्रोश यात्रा छतरपुर में प्रवेश कर चुकी है, राजनगर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप देखिए हमारे सामने हजारों गाड़ियों का काफिला चल रहा है। यहाँ मौजूदा समय में जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस से हैं, नाती राजा। दूसरी बात, छतरपुर के जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस से हैं, और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर इस जन आक्रोश यात्रा को रिसीव किया है। जबरदस्त उत्साह के बीच में जन आक्रोश यात्रा लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस जहाँ सत्ता भी नहीं है उसके बाद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। और वास्तविकता में जो चुनावी माहौल है वो इस समय अपने चरम पर है। चुनाव अनाउंस जरूर नहीं हुआ है, लेकिन जो तैयारियां हैं उसको लेके जन आक्रोश यात्रा बहुत कुछ अपने आप में समाये हुए है, और एक सफल यात्रा होती हुई नजर आ रही है बुंदेलखंड क्षेत्र की। अरुण यादव इसके प्रभारी हैं, सह प्रभारी गुड्डू राजा हैं, और इसके साथ साथ तमाम विधानसभाओं में यहाँ पर कांग्रेस के विधायक वो भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ लगातार जन आक्रोश यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। छतरपुर के पहले राजनगर जो है कहें कि खजुराहो वहां पर पहुंचेगी, और उसके बाद फिर छतरपुर पहुंचे। छतरपुर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और देखिए काफिला जहां तक आपकी नजर जाएगी गाड़ी ही गाड़ी, आगे पीछे दोनों तरफ गाड़ी ही गाड़ी नजर आएंगी। और इस समय कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं। किस प्रकार के परिणाम होंगे, क्या तैयारियां हैं, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में हैं, वो भी फील्ड से जुड़ी हुई, ना कि स्टूडियो में बैठी हुई। और दूसरी बात, जनता क्या कह रही है उन पर भी चर्चा करेंगे, क्या चुनावी मुद्दे हैं। इस क्षेत्र में हम लोग वापस आएंगे, चुनावी चौपाल लगाएंगे, चौपाल के माध्यम से हम लोग इस चीज को समझेंगे कि स्थिति क्या है। विपक्ष के साथ 7-8 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग कवर कर रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं, और इस नब्ज को टटोल रहे हैं कि बुंदेलखंड में आखिरकार विपक्ष की स्थिति क्या है, जिस प्रकार के कमलनाथ सरकार के आने के दावे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और बीजेपी की योजनाओं की धरातल पर कितनी हकीकत है जिसको लेकर तमाम वादे किए जा रहे हैं, और तमाम आरोप कांग्रेस बीजेपी वालों पर लगा भी रहे, नारियल फूटे जा रहे हैं, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। 50% कमीशन के आरोप लगे हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन काम भी किए हैं, उसको लेकर भी सराहना करने की आप सकता है, चूंकि बीमारू प्रदेश था और इस 18 साल के कार्यकाल में जितना कर सकते थे किया गया, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ और हैं। युवा बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पर बीजेपी जो है कहीं चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी दी थी, और 6 महीने से लगातार शिवराज सिंह चौहान अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बहुत कुछ किया भी है। महिला वोटर निर्णायक होगा, कहां जाता है यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कहीं बीजेपी के हाथ में है या कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन महिला वोटर निर्णायक होगा। जिस प्रकार से तमाम योजना देखिए, आप काफिला देखिए, पहले इस जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक गाड़ी ही गाड़ी, हजारों गाड़ियां इस समय छतरपुर में प्रवेश कर रही हैं, और यहां बीजेपी के 2 विधायक या कहेंगे 3 विधायक हैं, लेकिन 2 यहां पर मौके पर मुझे मिले हैं, और उन्होंने इस यात्रा का कहीं ना कहीं स्वागत किया है। और यात्रा के साथ पहले से ही 300-400 गाड़ियां लगातार चल रही हैं, और वो दमोह से ही लगातार चली आ रही, दमोह पन्ना और अब छतरपुर, इसके बाद टीकमगढ़ भी है, निवाड़ी भी है, सागर भी है, और सिरोंज होते हुए फिर भोपाल की तरफ बढ़ेंगे। 2 तारीख तक का ये पूरा कार्यक्रम है, लगातार जन आक्रोश के माध्यम से एक उत्साह देखने में मिला है कार्यकर्ताओं में। देखते हैं क्या होता है, इस समय जो तस्वीर है वो हम आपको बता रहे हैं।